drink थोड़ा सा पानी. I guess I'm not wearing this. একাই ভূমি করলে গোটেই রাত ভূমি করব. So, अभी मैं नहा धोकर आई हूँ एंड इट्स 11:15 नाउ. आज आप लोगों को मैं ले चलूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से जगह पर. ऑफ कोर्स मैं थंबनेल में तो डाल ही दूंगी, तो आप लोगों को पता ही है. सो आज हम लोग जा रहे हैं लूलू मॉल. लाइक बहुत ज्यादा हाइप बन रखा है लखनऊ में, तो बहुत ही ज्यादा हाइप है. मैं ना स्विच करती हूँ, इधर से उधर देखने लगती हूँ. सो मैं एज यूजुअल, इट्स संडे बट मैं बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में हूँ. अभी थोड़ा कुछ खा पी के आते. So let's go. As usual, मैंने ली है चाय एंड मेरे दोस्त जो है वो धूप में बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चाय पीते हुए उनसे भी मिल लेते थोड़ा सा. वो भी दे. सो वैसे हम बैग बार इतना ज्यादा गर्मी था कि बाल वाल पूरे बिल्कुल ही सूख गए. अभी जो है इट्स 12 ऑलरेडी, तो हमें निकलना है क्योंकि लूलू मॉल जाना मतलब कि तुम जल्दी निकलो एंड इट्स संडे. सो कानपुर फ्रॉम एवरी यू नो प्रॉक्सिमिटीज बहुत लोग आते हैं. हम लोग और एक बार अटेम्प्ट कर चुके हैं लूलू मॉल जाने को, बट इतना ज्यादा भीड़ था तो हम लोग एक्चुअली गए नहीं थे अंदर. सो आज होपफुली हम लोग लूलू मॉल विजिट कर लेंगे. सो पहले कपड़े डिसाइड कर लेते. मेरे सारे कपड़े जो है एज यूजुअल बिखरे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं. सो आई हैव डिसाइडेड आई विल वेयर दिस सिंपल प्यारा सा टॉप. एंड ये गीला क्यों है, क्योंकि यू नो बेसिकली दिस इज द हॉस्टल हैक. लाइक हमें इधर आयरन रखना अलाउड नहीं है. सो मैं क्या कर रही हूँ, दिस इज माई यू नो क्यूट सा बॉटल, इससे हम स्प्रिंग थोड़ा सा पानी गीला होके ये यू नो ठीक हो जाए एंड आई कैन वेयर इट एज इफ दिस इज प्रेस्ड. लेट दिस ड्राई, तब तक लेट मी गेट रेडी. पसीना देखो, मतलब व्लॉग में बात करने के लिए मैंने फैन बंद कर रखी है और मेरा एसी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा है. आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, बट दिस इज द एंगल यू गाइस नो इट ऑलरेडी. थोड़ा सेट कर लेते हैं. कल जो है मैं गई थी मिनिसो एंड मैंने कुछ सामान लाया प्यारा प्यारा, सो लेट्स यूज देम. मैं एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक एवरीडे लुक बनाने वाली हूँ अभी एंड आज जो है आई एम गोना यूज द ब्यूटी रेंज ऑफ ममा अर्थ एक्सक्लूसिवली. सो स्टार्ट करते हैं पहले यू नो विद द सनस्क्रीन. दिस इज अगेन फ्रॉम ममा अर्थ एंड आई लव यूजिंग इट. मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज करी हुई है ममा अर्थ की. आई फील लाइक कि ममा अर्थ की प्रोडक्ट्स जो है दे आर रियली स्किन फ्रेंडली. केमिकल से स्किन डैमेज होने वाली डर जो है वो यूजुअली लाइक मुझे नहीं होती है ममा अर्थ से. सो आई रियली लाइक यूजिंग इट. ये शेड थोड़ा सा डार्क है. आई मस्ट से ममा अर्थ के पैकेजिंग रियली यू नो क्यूट. जल्दी जल्दी से ब्लेंड कर लेते हैं. आई लाइक दिस फाउंडेशन क्योंकि गर्मियों में ना मैंने ट्रेवल समवेयर मुझे वो छिपछिपापन या फिर वो जो भारी सा लगता है ना मेकअप लगाने के बाद वो बिल्कुल पसंद नहीं होता. एकदम लेयर्स बन जाती है पसीने के साथ. सो दिस इज क्वाइट यू नो लाइट वेट. नाउ आई एम गोना सेट एवरीथिंग विद द ममा अर्थ ग्लो ऑयल कंट्रोल कंपैक्ट. आई एम गोना यूज द ब्रश. Smells so good. So, मैंने बहुत ही हड़बड़ी में बाकी मेकअप कर लिया है. मस्कारा लगाते वक्त आई रुइन दिस पार्ट. सो आई एम थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा यू नो लाइनर की मदद से इसको सेट कर लेती हूँ. सो दिस इज द ममा अर्थ सूदिंग वाटर प्रूफ आई लाइनर. थोड़ा सा बस हल्का सा एक स्ट्रोक लगाना है एंड आई एम डन विद द विंग्स. सो इट्स टाइम फॉर द लिप्स एंड आई हैव दीज थ्री शेड्स एंड दिस इज माई फेवरेट. दिस इज इन द शेड 01 कार्नेशन न्यूड. ये बहुत ही प्यारा न्यूड कलर है एंड आई एम जस्ट लविंग इट. लेट मी गेट ready, let me wear the outfit. So this is the final look. I feel like into neutral look hai, bahut badhiya se ja raha hai mere outfit ke sath. Ye abhi tak properly sukha nahi hai. So in case you wanna purchase these Mama Earth product, aap description box check kar sakte ho. Also do not forget to use my coupon code jo ki hai dipta2022 to get 20% off. Also guys, you can check out Mama Earth's official app to get amazing offers and early access to their sales. Also guys, I would like to mention ki Mama Earth ne ek bahut hi amazing sa initiative le rakha hai. They are planning to like plant 1 million trees by 2025. So
buying a Mama Earth product. They actually planted a tree up in Ambar. So why not? Let's give Mama Earth a try. So pink ke saath mujhe lagta hai ki golden bahut acche se suit karta hai. So this is मेरे नाम का एक पेंडेंट बहुत प्यारा सा. दिस इज एक्चुअली अ गिफ्ट. सो आई एम गोना वेयर दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. लेट्स एक्सरसाइज द आउटफिट. आई फील लाइक मैंने ज्यादा कुछ पहन लिया है. जैसे तैसे तैयार होके फाइनली इट्स टाइम टू गो. और लकीली हमें कैब भी मिल गया था टाइम पे. एज यू गाइस ऑलरेडी नो हम जा रहे हैं लुलू मॉल. पहली बार इसका नाम सुन के सच्ची बताओ तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा था. देन मैंने गूगल सर्च करा एंड आई केम टू नो कि लुलू का मतलब होता है मोती. इनिशियली आई वॉज सुपर सुपर एक्साइटेड क्योंकि उस दिन फ्रेंडशिप डे भी था एंड हम सारे जो है साथ मिलकर लुलू मॉल एक्सप्लोर करने वाले थे. लेकिन मुझे ज़्यादा क्राउडेड जगह अच्छी नहीं लगती. बहुत ज़्यादा भीड़ है. अभी दोपहर में इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे. एग्जिट है यार. ये जो भीड़ है ये कुछ भी नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी. दो हफ्ते पहले जब मैं पहली बार लुलू मॉल आई थी, वी रिटर्न्ड आधे रास्ते से क्योंकि पैर रखने की जगह नहीं थी. बहुत ज्यादा भीड़ है. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट आवर अदर फ्रेंड्स. तो पहले हम लोग खाना खाने जा रहे हैं. वी आर सो हंग्री. इट्स एक्चुअली द लंच टाइम. सो हमें पहले पेट पूजा करना है. उसके बाद एनर्जी मिलने के बाद इस व्लॉग में ढेर सारी वॉइस ओवर सुनने को मिलेगा आप लोगों को क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाई. एंड दिस इज रियली ह्यूज फ्रॉम इनसाइड. दिस ऑल्सो हैज़ अ गेमिंग जोन. इट्स द सेकेंड मंथ ऑफ दिस मॉल बट इसका क्रेज जो है अभी भी बरकरार है. इतने सारे फूड स्टॉल्स है कि वे कन्फ्यूज. सो हम लोग बेसिकली घूम रहे हैं. सीट तो बचा ही नहीं है यहाँ पे. आई डोंट नो हम लोग कैसे खाना ऑर्डर करेंगे फिर खाएंगे. बहुत ज़्यादा इंडियन खाने का मन कर रहा है. सो देख रहे हैं कहाँ कुछ प्रॉपर इंडियन मिल जाए हमें. जैसे तैसे खाना ऑर्डर कर दिया एंड वी गॉट दिस वन. ये इस पे बीप होगा तो खाना लाएंगे. आई कैन नॉट वेट फॉर द फूड. वहाँ पे लाइक इतनी लंबी लाइंस लगी पड़ी थी. खाना ऑर्डर करना मुश्किल हो रखा था. दिस बारबेक्यू सिज़लर वाज रियली गुड. लेकिन आई फेल्ट लाइक भीड़ के कारण ना वो लोग ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे. दो बहुत सारे ऑप्शंस है लेकिन भीड़ is the problem. So this is the huge friends gang of mine. So सबने मिल के मुश्किल से बहुत time wait करने के बाद finally अपना खाना खा लिया था. And it's time for the game zone. Like हम लोग इसी कारण आए थे. बहुत ज़्यादा भीड़ है. So अभी इधर wait कर रहे हैं. I don't know if it's audible. So game zone में enter करने के लिए you need this membership वाला card. और जैसे कि उस दिन friendship day था तो हमें थोड़ी बहुत discount भी मिल गई थी. So it's time for the rides finally. हम लोग इस पे जाने वाले हैं. अभी मैंने अखमियत को ऐसा हुई है जो अखम वाइब एकदम बॉमी हो गई है. बॉमी ऐसा ही बॉमी कोई ले कुटे ही रहना. बॉमी कोई द 360 वॉज अमेजिंग. बट एक राइड से दूसरी राइड जाना वॉज अ ह्यूज दिक्कत क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइन्स लगी पड़ी थी. लाइक दैट वॉज इरिटेटिंग. रेडी फॉर द राइड. वी आर सो एग्जॉस्टेड आफ्टर द लंबी लंबी लाइन्स एंड द राइड्स. आई वॉज सो एग्जॉस्टेड. अभी तक जो है बहुत सारी गेम्स एक्सप्लोर करना बाकी रह गया था. थोड़ा बहुत हमने इधर उधर खेलने की कोशिश करी बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारे जो गेम्स हैं उनको ट्राई कर लो. अभी 6 बज चुका है. हम सिंस दिस मॉल इज फेमस फॉर द हाइपर मार्केट सो अभी जा रहे हैं. लेट्स सी क्या क्या मिलता है वहाँ पे. मस्ट से दिस इज ह्यूज. ओह माय गॉड गाइस द हाइपर मार्केट वॉज ह्यूज. खासकर द फ्रूट्स कलेक्शन. माई गॉड इतने सारे एग्जॉटिक फ्रूट्स एंड इतनी वैरायटी. मुझे लिटरली फल देख के भूख लग गई थी. मुझे लिटरली सब उठाने को मन कर रहा था बट यस आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम मनी एंड स्पेस हियर इन हॉस्टल सो दैट वॉज नॉट पॉसिबल. लेकिन सच्ची कह रही हूँ अगर मेरा घर होता यहाँ पे मैं लिटरली बहुत कुछ उठा लेती. 36 तरीके के एप्पल्स पड़े हुए हैं. इतने तो देखे ही नहीं कभी. इतने सारे एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं यहाँ पे. अगर मैं प्राइस का कहूँ तो जो प्राइजेस थे ऑफ कोर्स बहुत वैरायटी के थे लेकिन देयर वाज क्वाइट जेन्युइन. एंड द बेकरी सेक्शन. ओह माय गॉड इतने सारे कलरफुल डोनट्स.
उधर तो फोटो खिंचवा लो बस। So we are living now, अंधेरा हो चुका है, 6:30 is the time and 8 का पे अभी मिल नहीं रहा है हमें। थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली हमने हाइपर मार्केट से, कितने सारे ऑप्शन थे ना, हम लिटरली अंधे हो चुके थे। वो रात को, दिस इज द मॉल फ्रॉम आउटसाइड। आते वक्त मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा था एंड लूलू मॉल आई गेस फॉर द टाइम बीइंग आई एम नॉट रिविजिटिंग। सो गाइस आई एम बैक टू माय रूम। मुझे ये ड्रिंक इतना पसंद है ना, मेकअप पूरा उतर गया है एंड पता नहीं नीचे कुछ बह भी गया है। आई होप ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश करी थोड़ा बहुत शूट करने को, बहुत ज़्यादा भीड़ था, हम लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से घूम भी नहीं पाए। शॉपिंग लाइक कपड़ों के सेक्शन में तो गए ही नहीं हम। इट वॉज रियली नाइस, इट्स सो ह्यूज एंड थोड़ा सा इरिटेटिंग भी क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है। एंड बताना क्या देखना चाहते हो आप लोग। बाकी मेडिको लाइफ तो शूट करते ही रहूँगी और व्लॉग्स आते रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय।